हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मदर टिप्स। जैसे कि हम सबको पता ही है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें बहुत सारे बॉडीली चेंजेस आते हैं। ऐसा ही एक चेंज होता है मॉर्निंग सिकनेस। बहुत सी लेडीज़ को मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस होती क्या है? जैसे कि घबराहट होना, एकदम से वॉमिटिंग सा फील होना, कुछ खाना बहुत ज़्यादा पसंद होना, कुछ खाना बिल्कुल भी पसंद ना होना। तो ये मॉर्निंग सिकनेस जो होती है ये अपने साथ बहुत अनईज लेकर आती है। बहुत सी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस की वजह से। कई लेडीज़ का जो फर्स्ट 3 मंथ्स का टाइम है वो ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन बहुत सी लेडीज़ होती हैं जिनका फर्स्ट 3 मंथ्स के टाइम में अगर उनको मॉर्निंग सिकनेस की दिक्कत होती है तो वो उनका टाइम बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल अनईजी सा होता है। मेन रीज़न मॉर्निंग सिकनेस का होता है एसिडिटी। यूजुअली हमारे जो यूट्रस है जब उसके ऊपर भार पड़ना स्टार्ट होता है तो एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से लेडीज़ को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से उनका जो जी है वो घबराता रहता है और वॉमिटिंग या फिर सिर दर्द जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में बात करने जा रही हूँ कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिनको अगर आप इनटेक करेंगे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम तो आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम या तो नहीं होगी, या अगर आपको होती भी है तो वो बहुत माइनर सी होगी और आपको ज़्यादा बॉदर नहीं करेगी। तो ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको हम कंज्यूम करें और हमें मॉर्निंग सिकनेस से छुटकारा मिल पाए? सबसे पहली चीज़ जो अगर आप अपने डाइट में कंज्यूम करोगे अपने मॉर्निंग सिकनेस से लड़ने के लिए, वो है जिंजर। अगर आप सुबह उठते ही जिंजर का थोड़ा सा रस पानी में डाल के और उसमें हनी मिक्स करके कंज्यूम करते हो तो इससे आपको नौजिया से फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जिंजर बहुत अच्छा होता है हमारी एसिडिटी को रिड्यूस करने में और हमारी जो स्टमक प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म करने में। सेकेंड चीज़ जो आप कंज्यूम कर सकते हो, और आज के दौर में ये चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है क्योंकि टाइम ऐसा चल रहा है कोरोना का, जिसकी वजह से विटामिन सी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। तो अगर आप लेमोनेड को अपनी डाइट में ऐड करते हो, चाहे आप मॉर्निंग में उसको पियो, चाहे दिन में 2 या 3 बार अगर आप लेमोनेड लेते हो तो इससे आपको मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको थोड़े से पानी में गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के उसके अंदर सेंधा नमक डालना है, और इस मिक्सचर को अगर आप कंज्यूम करते हो तो इससे आपको एसिडिटी भी नहीं होगी और ये जो ड्रिंक है ये रिच इन विटामिन सी है जो आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी हेल्प करेगा। क्योंकि ये हाई एंटीऑक्सीडेंट है तो इससे आप, ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं होगी, बट आपको मॉर्निंग सिकनेस से अनईजी और अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। और सेकेंडली इस ड्रिंक में आयरन भी है तो ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं उनको प्रेगनेंसी के दौरान आयरन कंज्यूम करने को कहा जाता है, आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। तो अगर आप लेमोनेड लेते हो जो कि बहुत ही इजी ड्रिंक है तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। नेक्स्ट चीज़ जो आप अपने डाइट में ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी फेज कंज्यूम कर सकते हो वो है वाटरमेलन। वाटरमेलन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आजकल गर्मी का समय है और गर्मी के समय में वाटरमेलन बहुत ज़्यादा हमें पसंद भी होता है। आप वाटरमेलन को किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, चाहे आप उसका जूस बना के उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करके उसको कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आप वैसे ही वाटरमेलन खा सकते हो। वाटरमेलन की सीड्स भी बहुत अच्छी होती हैं, अगर हम उसकी सीड्स भी खाते हैं तो भी वो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा देती हैं। तो अगर आप वाटरमेलन को अपनी डाइट में कंज्यूम करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसको कंज्यूम करने से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रेगनेंसी के दौरान और इस समय में हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको डिहाइड्रेशन होती है तो बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो लगनी स्टार्ट हो जाती हैं। पेट खराब होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में गर्मी हो जाती है, सिर दुखता है, एसिडिटी होती है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसे फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए जिससे हमें डिहाइड्रेशन ना हो। पानी की कंजम्पशन हमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी चाहिए अपनी बॉडी में, और वाटरमेलन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है समर्स, खासकर अब समर्स के मौसम में। नेक्स्ट चीज़ जो आप कंज्यूम कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी फेज में अपनी मॉर्निंग सिकनेस से लड़ने के लिए, वो है ओट्स। अगर आप एक बाउल में ओट्स थोड़े से डालकर उसके अंदर बनाना डाल दोगे और कुछ सीड्स या थोड़े से नट्स उसमें ऐड कर दोगे, इससे आपको पोटेशियम भी मिलेगा और ये एक हेल्दी कार्ब है जिससे आपको एनर्जी भी मिलेगी, और क्योंकि ये हेल्दी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होगा।
इसके अलावा ये डाइजेशन जो है, इसकी जो डाइजेशन होती है वो बहुत स्लो होती है, तो आपके आपकी बॉडी के ऊपर एकदम से जो जैसे हमारा पेट फिल हो जाता है वैसे नहीं होगा, स्लोली ये डाइजेस्ट होता है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फेज। ओट्स प्लस बनाना अगर आप कंज्यूम करते हो अपने डाइट में तो आपको ब्लोटेड फील नहीं होगा, जो कि बहुत सी लेडीज़ को ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ्स फील होता है, उनकी उनका जो स्टमक है वो ब्लोटेड रहता है। तो अगर हम ओट्स और बनाना कंज्यूम करते हैं, उसमें हनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्जी के और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप अपनी डाइट में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्लूड कर सकते हो वो है वेजिटेबल सूप। आप वेजिटेबल सूप को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जैसे पालक, जिससे आपको आयरन भी मिलेगा, और ग्रीन वेजिटेबल्स, जो भी आपको वेजिटेबल्स पसंद है आप उसका सूप बना के उसे कंज्यूम कर सकते हो। उसमें भी अगर आप सेंधा नमक ऐड करोगे वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो वेजिटेबल सूप होता है वो लो इन कैलोरीज होता है। इसके अलावा उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो कि हमारी बॉडी को इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इस समय में हमें हेल्दी ही चाहिए। और इसके अलावा जो ये वेजिटेबल सूप है ये आपकी गट हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और इस समय में हमारी गट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, इसलिए आप अपने डाइट में वेजिटेबल सूप को ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट चीज़ जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो मॉर्निंग सिकनेस से लड़ने के लिए वो है आंवला। आंवला जो है वो विटामिन सी में रिच होता है, उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, जो कि आपकी इम्यूनिटी को तो बूस्ट करेगा ही करेगा, साथ ही साथ जो अगर आपको डिहाइड्रेशन हो रही है या फिर अगर आपको एसिडिटी फील हो रही है, मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, तो आंवला आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों से फाइट करने में। इसके अलावा बहुत सी लेडीज़ को होता है कि उन्हें भूख नहीं लग रही है, वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हमसे खाया नहीं जाता, उन्हें डर लगता है कि अगर हम खाएंगे तो या तो हमें वॉमिट हो जाएगी या हमारा पेट दुखेगा या हमें एसिडिटी हो जाएगी। तो ऐसे में आपको खाना ऑल टुगेदर अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उसके अलावा कुछ और ले सकें। आप ड्रिंक्स ले सकते हो, ड्रिंक्स किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हो। कोकोनट वाटर इस टाइम में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, कोकोनट वाटर से डिहाइड्रेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, आपको हमेशा हाइड्रेटेड फील करवाता है और ये फिलिंग भी होता है। अगर आपको भूख कम है तो आप कोकोनट वाटर कंज्यूम कर सकते हो अपने डाइट में, और ये आपको मॉर्निंग सिकनेस से फाइट करने में भी हेल्प करेगा। नेक्स्ट चीज़ या ड्रिंक, अगर आपको भूख नहीं है, जो आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो वो है कैमोमाइल टी। जो कैमोमाइल टी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, इससे आपको रिलैक्स भी फील होगा, ये स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती है, और आपको ये हाइड्रेटेड भी फील करवाएगी, आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप रिलैक्स फील करोगे एंड आपके डाइजेशन भी इससे जो है इम्प्रूव होगा। तो कैमोमाइल टी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आप इसको कंज्यूम कर सकते हो वंस इन अ डे ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। इसके अलावा आप जो अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान वो है, आप ओकेजनली जो नो शुगर कोला होती है वो एज अ टेस्ट आप उसको ले सकते हो, लेकिन ओकेजनली, ये नहीं है कि आपको ये रूटीन में लेना है। बहुत बारी जो हमारे टेस्ट बर्ड्स हैं वो हमें नॉर्मल रूटीन का खाना हमें अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में आप ये कोला ड्रिंक ले सकते हो जो कि विदाउट शुगर हो, और आपको बिल्कुल थोड़ा सा ये कंज्यूम करना चाहिए, इसकी आदत नहीं आपको डालनी चाहिए। कुछ ऐसी ड्रिंक्स या जूसेस आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस फील होता है, जैसे कि क्रैनबेरी जूस आप ले सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह ये काम करता है और हेल्दी भी होता है। इसके अलावा आप कैरेट जूस ले सकते हो या फिर आप ऑरेंज जूस ले सकते हो, ये सारे जूसेस जो हैं किसी भी फ्रूट के जो भी आपको पसंद है, ये रिच इन विटामिन सी होते हैं और ये आपकी डिहाइड्रेशन को भी ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में या फिर जब भी आपको कुछ मंच करने का मन करे तो ऐसी चीज़ों को ले सकते हो, जो कि हेल्दी भी हैं, आपको फ़ायदा भी दिलाएंगी, आपको मॉर्निंग सिकनेस से लड़ने में भी हेल्प करेंगी और आपकी बॉडी को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देके जाएंगी। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड अवॉइड करनी चाहिए वो है कि अल्कोहल को बिल्कुल भी नहीं आपको कंज्यूम करना है। अल्कोहल आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर आपको भूख नहीं है, बहुत सी लेडीज़ क्या करती हैं, वो डर जाती हैं, उनको होता है कि अगर मुझे एसिडिटी हो रही है, अगर मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है बार बार, तो मैं खाना स्किप कर देती हूँ। आपको खाना स्किप नहीं करना है, आपको ये गलती नहीं करनी है कि अगर आप खाना स्किप कर दोगे तो आपको वॉमिटिंग नहीं होगी, उल्टा आपको डिहाइड्रेशन होगी। अगर आपका पेट
पेट भरा नहीं होगा, आपको एसिडिटी और ज़्यादा होगी, तो ऐसे में कुछ कुछ आप थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करते रहो, खाना मिस मत करो। थर्ड चीज़ जो आपको इस टाइम पे कंज्यूम नहीं करनी है या बहुत कम कंज्यूम करनी है वो है गार्लिक। गार्लिक की वजह से बहुत सी लेडीज़ को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में आप गार्लिक को बहुत कम यूज़ करो। इसके अलावा स्पाइसी फूड्स आपको अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि स्पाइसी फूड की वजह से लेडीज़ को एसिडिटी होती है, एसिड बनना स्टार्ट होता है, छाती में जलन होती है, तो ऐसे में आप स्पाइसी फूड को अवॉइड करो। अनियंस को कम यूज़ करो, कच्चा अनियन कम खाओ, इससे भी आपको एसिडिटी या मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम कम होगी। लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अपनी मॉर्निंग सिकनेस से फाइट करने के लिए, जो आपको कंज्यूम नहीं करनी है, वो है ऑयली फूड। ऑयली फूड की वजह से एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, हमारी स्टमक बहुत ज़्यादा अपसेट होने स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वॉमिटिंग्स हो सकती है, हमारा दिल जी कच्चा होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो ऑयली फूड है उसको अवॉइड कीजिए। तो ये थे कुछ फूड्स जो आपको इंटेक करने चाहिए ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी पीरियड, और कुछ ऐसे फूड्स जो आपको अवॉइड करने चाहिए अपने प्रेगनेंसी पीरियड में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।